ત્યારે સરકાર દ્વારા લોકડાઉન અને રાત્રિ કર્ફ્યુના નિયમો બહાર પડી રહ્યા છે ત્યારે આ બાબતે લોકો ઉપર સંપૂર્ણપણે કાબૂ રહે તે માટે પોલીસ તંત્ર જાગૃતતા દેખાડી અને નિયમોના ક્યાંય ઉલ્લંઘન કે પાલન ન થાય ત્યાં એફઆઈઆર કરી કાયદેસરનો ગુનો નોંધી કાર્યવાહી કરવામાં આવશે તો આ બાબતે જ્યારે પોલીસ તંત્ર જાગૃત થયું છે તો વધુ માહિતી જાણીએ એસપી સાહેબના શબ્દોમાં અભી જો એક્સટેન્ડ કિયા ગયા હે નિયંત્રણ દિવસ દરમિયાન और नाइट कर्फ्यू भी एक्सटेंड किया गया है तो उसका हम स्ट्रिक्टली पालन करवाने के लिए प्रयत्न करते रहेंगे आने वाले इस वीक में भी बिन ज़रूरी लोगों की मूवमेंट नाइट कर्फ्यू में ना हो उसके लिए भी हम अपनी कार्रवाई करते रहेंगे और उसको स्ट्रिक्ट बनाएंगे और दिवस दरमियान में भी जो दुकानें बंद रहनी चाहिए अगर वो खुली पाई जाती हैं तो FIR तो हम दाखिल करते आ रहे हैं लेकिन हम अब दुकानें सील करवाना भी शुरू करेंगे नगर पालिका की हेल्प लेकर के जो जाहिरनामा है उसका सख्त अमलवारी हो उसके लिए एक्चुअली वहाँ जैसे जो शाक मार्केट है वो तो सुबह से ही वहाँ पे आके लोग ख़रीदी करना शुरू कर देते हैं तो हम सुबह से चेकिंग तो चालू रखते हैं लेकिन उनका जो बैठने की जगह है वो कंजेस्टेड होने की वजह से वहाँ पे लोग जो हैं एक दूसरे के नज़दीक आ ही जाते हैं तो उसको मैंने और ज़्यादा थोड़ा स्प्रेड करने के लिए मैसेज दिया है कि और स्प्रेड हो ताकि दूर दूर अपनी अपनी ये जो बेचने के लिए लगाते हैं पथारी वो दूर दूर लगाएं और लोग भी थोड़ा दूर दूर खड़े रह के वहाँ पे शॉपिंग करें वो एक हाँ मैं वहीं की बात कर रहा हूँ वानियावाड़ में जैसे मॉर्निंग में हम चेकिंग करते ही हैं तो ध्यान पे यही आया है कि बहुत नज़दीक नज़दीक बैठ के वहाँ पर अपनी शाक सब्ज़ियाँ बेचते हैं तो उसको थोड़ा दूर करके और डिस्टेंस बढ़ा के रखें उस तरह की हम कार्रवाई करने के लिए अपने प्रयत्न कर रहे हैं कि कैसे उनको और स्प्रेड किया जाए वहाँ से और वहाँ पर कम से कम जो है लोग सोशल डिस्टेंसिंग का भंग वगैरह ना करें और उस तरह की प्रॉब्लम नहीं आए उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं हाँ बिल्कुल जो माधवपुर गांव एकदम बाजू में ही आता है वहाँ पे भी बेसिकली देखा जाए तो भुज शहर का ही पार्ट है ऐसा हम उसको कह सकते हैं बट एक्चुअली नगर पालिका में नहीं आता उसकी ग्राम पंचायत अलग होने की वजह से वहाँ पर नाइट कर्फ्यू वगैरह की रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं तो अभी जो कुछ चीज़ें ध्यान पे आई हैं कि वहाँ पे लोग जाते हैं रात को और वापस आते हैं 8 बजे के बाद नाइट कर्फ्यू के बाद और तो उसके वायोलेशंस के लिए भी हम स्पेशल टीम्स बनाकर ध्यान रखेंगे कि माधवपुर से आते हुए लोगों को भी हम उनके खिलाफ़ कार्रवाई करें जाहिरनामा भंग का गुना दाखिल करें उस तरह के इंस्ट्रक्शंस पास ऑन की जाएंगी।